सभी को नमस्कार मित्रों, भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, यानी केंद्र और राज्यों के क्या संबंध हैं और कितने प्रकार के संबंध होते हैं, आज तो हम ये देखेंगे। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र और राज्यों के मध्य मधुर संबंध बनाने के लिए कौन कौन से आयोगों की अनुशंसाएं ग्रहण की है, इस संदर्भ में कौन कौन से आयोग गठित किए गए हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। यानी कि केंद्र राज्य संबंधों पर हमारी दो वीडियो बनेंगी, लगभग एक एक घंटे की, 40-40, 50-50 मिनट की वीडियो हमारी बनने वाली है। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप पर। हमारी एंड्रॉइड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉइड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ies.com पर जा सकते हैं और इसके ज़रिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नज़र आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नज़र आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नज़र आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं, पूरे एक साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोज ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों, वीडियोज तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है यहां पर, ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है, 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं, खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। आज हम देख रहे हैं केंद्र राज्य संबंध।
पहले हम देखेंगे कि केंद्र राज्यों के मध्य यानी कि सेंटर और स्टेट के मध्य कितने प्रकार के संबंध होते हैं। तो मित्रों संबंध अगर हम बात करें तो चार प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं विधायी संबंध, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस। दूसरे होते हैं प्रशासनिक संबंध, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। तीसरे होते हैं वित्तीय संबंध और चौथे प्रकार के जो संबंध होते हैं वो होते हैं न्यायिक संबंध। चार प्रकार के संबंध होते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य। अभी मैंने चार लिखे हैं। न्यायिक संबंध थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। बेसिकली हमें पढ़ने तीन ही हैं, हम पढ़ेंगे विधायी संबंध, हम पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध और हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंध। न्यायिक संबंधों को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसके पीछे भी कारण है, मैं बताऊंगा। इन तीन संबंधों को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, संघात्मक शासन क्या होता है, एकात्मक शासन क्या होता है, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मित्रों, केंद्र राज्य संबंधों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर शासन व्यवस्था कैसी है, संघात्मक। क्योंकि अगर हम एकात्मक शासन की बात करें तो वहां पर तो राज्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, तो वहां पर तो केंद्र राज्य संबंधों का सवाल ही पैदा नहीं होता। केंद्र राज्य संबंधों की बात कर रहे हैं तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है, हालांकि हम हमारी पहले वाली वीडियो में जब हम संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे थे वहां पर हमने बात की थी कि भी हमारा जो देश है, हमारी जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक है, संसदीय है, एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, सब कुछ हमने पढ़ा था। लेकिन फिर भी चार पांच मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं, जिससे ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। पहली बात कि संघात्मक शासन व्यवस्था का अगर मानक पूछा जाए आपसे, संघात्मक शासन व्यवस्था को नापने का अगर स्टैंडर्ड रेट पूछा जाए तो कौन सा देश है, तो मित्रों वो है यूएसए। कोई भी देश संघात्मक है या नहीं उसको मापने का, उसको तोलने का जो मानक है, जो स्टैंडर्ड रेट है, वो यूएसए है। अगर यूएसए से हमारे कुछ फीचर्स मिलते हैं तो संघात्मक है, अगर ब्रिटेन से हमारे फीचर्स मिलते हैं तो एकात्मक है। संघात्मक शासन व्यवस्था को तोड़ने का जो मानक है एक, एकात्मक शासन की बात करें तो एकात्मक शासन का सबसे जो उत्तम उदाहरण है मित्र वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है और एकात्मक शासन का सबसे उत्तम उदाहरण ब्रिटेन है। यूएसए में संघात्मक शासन है और यूएसए का संघात्मक शासन दुनिया का सबसे अधिक अच्छा या यूं कहें कि सबसे सर्वश्रेष्ठ संघात्मक शासन है। भारत में चूंकि संघात्मक शासन है, फेडरल सिस्टम हमने अपनाया है, लेकिन कुछ एक फीचर्स जो हैं वो एकात्मक शासन के भी हैं। इसके बावजूद भी हमारी जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक है। हम बात करते हैं कौन कौन सी बातें संघात्मक हैं। देखिए विषयों का बंटवारा होना, विषयों का बंटवारा, और देखिए विषयों का बंटवारा से क्या आशय है कि हमने फिक्स कर रखा है कि इतने विषय हैं इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ये जो विषय हैं इन पर राज्य सरकारें कानून बनाएगी, कुछ एक विषय ऐसे हैं जो हमने समवर्ती सूची में यानी कॉन्क्रीट लिस्ट में रखे हुए हैं जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों अगर एक ही मुद्दे पर कानून बनाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर विरोध पैदा होता है तो केंद्र वाला माना जाएगा। वो बेसिक सी बातें आप सभी को पता है। विषयों का बंटवारा करने के लिए हमने तीन सूची बनाई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्क्रीट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। जैसे कि डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, परमाणु है, ऊर्जा है, ये सारे जो विषय हैं वो किसमें होते हैं, संघ सूची में। पुलिस है, ये जो विषय होते हैं किसमें होते हैं, राज्य सूची में। और कुछ विषय हैं समवर्ती सूची में। लगभग 100 विषयों के बात करें तो संघ सूची में है, 61 विषय राज्य सूची में है और 52 विषय समवर्ती सूची में है। ये विषयों का बंटवारा है और जब कभी भी ऐसा विषयों का बंटवारा आपको देखने को मिले तो मान के चलो कि वो संघात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में विषयों का बंटवारा नहीं किया जाता। सारे के सारे विषय, सारी की सारी पावर्स किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। वहां पर स्टेट स्तर पर किसी भी प्रकार की शक्ति का वितरण नहीं किया जाता। चूंकि विषयों का बंटवारा है इसलिए हमारा देश संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए है।
दूसरा है मित्रों राज्यसभा का होना। हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, इसका मतलब हमारा जो देश है संघात्मक शासन व्यवस्था है। क्योंकि राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा सेंटर में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, सेंटर का तो अपना प्रतिनिधित्व है ही, दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व होना, ये किस बात का उदाहरण है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। एक छोटा सा पॉइंट जो कि बड़ा ही बारीक पॉइंट है और अमूमन या वहां से प्रश्न गलत होते हैं, अगर प्रश्न ये बन जाए कि राज्यसभा की सदस्य संख्या का होना किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उदाहरण है, तो ये एकात्मक हो जाएगा। क्योंकि सभी राज्यों से बराबर बराबर प्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं, यूपी से 31 सदस्य राज्यसभा में पहुंचते हैं, राजस्थान से 10 है, दिल्ली से 3 है, पुडुचेरी से 1 है, सभी बराबर नहीं है। तो सदस्य संख्या का निर्धारण चूंकि केंद्र सरकार करती है, इसलिए सदस्य संख्या का कम ज्यादा होना तो एकात्मक शासन है, परंतु अगर राज्यसभा का कॉन्सेप्ट मात्र है तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था है। अमेरिका की बात करें, वहां पे 50 राज्य हैं और 50 के 50 राज्य अपने दो कैंडिडेट सीनेट में भेजते हैं, तो वहां की सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है, 100। ये संघात्मक शासन का सबसे उत्तम उदाहरण है, लेकिन हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, इतना ही काफी है। तीसरा, लिखित संविधान का होना, कठोर संविधान का होना, ये भी क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना, ये भी क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। यानी बहुत सारे उदाहरण पेश किए जा सकते हैं जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। और जब संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसका मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करते हुए, साथ साथ चलते हुए अपना काम करती है। तो दो सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, और इसी से अपना ये कॉन्सेप्ट आज शुरू होता है कि दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, और उनके मध्य क्या क्या संबंध होते हैं उसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमने अभी देखा था कौन कौन से संबंध होते हैं। मित्रों, विधायी संबंध होते हैं कि कौन सा विषय किस क्षेत्र पर कौन कानून बनाएगा, संसद किन किन क्षेत्रों में कानून बनाएगी, राज्य विधानमंडल किस किस क्षेत्रों में कानून बनाएंगे, किस किस विषय पे कानून बनाएंगे, किस क्षेत्र तक वो कानून काम करते रहेंगे, उनका एरिया कितना होगा, कितना एरिया वो कवर करेंगे, ये सारे किस में आएंगे, विधायी संबंध में। दूसरे, प्रशासनिक संबंध, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो राज्य की कहाँ तक है, केंद्र की कहाँ तक है। फिर वित्तीय संबंध, यानी कि वित्त के कौन कौन से संसाधन राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, कौन कौन से केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन सरकारों को अनुदान मिलता है, टोटल हम बात करेंगे। उसके बाद में न्यायिक संबंध, देखिए मित्रों, न्यायिक संबंध में केंद्र और राज्य के कानून अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करो, चाहे आप किसी हाई कोर्ट की बात करो, किसी सेशन कोर्ट की बात करो, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन एक ही हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति का कत्ल कर दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट में उसको फांसी की सजा का उल्लेख हुआ है, तो हाई कोर्ट भी वही सजा देगा और सेशन कोर्ट भी वही सजा देगा। यानी कि हमारे यहाँ पे सजा का प्रावधान एक ही है, एक ही कानून व्यवस्था है, एक ही संविधान है राज्यों का, केंद्र का। इसलिए न्यायिक जो संबंध है उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि न्यायिक संबंधों जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, न्यायिक संबंधों जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जो न्याय व्यवस्था राज्यों के लिए है वही केंद्र के लिए है, तो इसको आज हम पढ़ने वाले ही नहीं हैं। तो तीन प्रकार के संबंध हमें पढ़ने हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। और उसमें पहला हम शुरू करने जा रहे हैं विधायी संबंध। विधायी संबंध जिसका उल्लेख है भाग 11 के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। मैं थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, विधायी संबंधों का उल्लेख है भाग 11 में और भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255। दूसरे प्रकार के जो संबंध हैं वो है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख भी भाग 11 में है और उसका उल्लेख है अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। तीसरे प्रकार के जो संबंध हैं वो है मित्रों वित्तीय संबंध, और वित्तीय संबंधों का उल्लेख भाग 11 में न होकर किसमें है, भाग 12 में, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 264 से लेकर 293 तक। तो इसका भी आप एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विधायी संबंध का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 11 में।
प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 11 में। वित्तीय संबंधों का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 12 में। यहां पे ख्याल रखना है भाग 12 है। आर्टिकल पूछे तो विधायी संबंधों का उल्लेख 245 से 255, प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख 256 से 263 और वित्तीय संबंधों का उल्लेख 264 से लेकर 293 तक। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम शुरू करते हैं विधायी संबंध। विधायी संबंधों की बात करें तो दो तरीके से हम शक्तियों का विभाजन कर सकते हैं। यहां पर विषय को पढ़ने की दृष्टि से हम इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं। एक तो हम देखेंगे क्षेत्र के आधार पर क्या क्या संबंध है। क्षेत्र यानी कि राज्य के कानून कहां तक सीमित हैं, केंद्र के कानून कहां तक सीमित हैं, पहला हम देखेंगे क्षेत्र के आधार पर, और दूसरा हम देखेंगे विषय के आधार पर कि कौन कौन से विषय राज्य के अंदर में आते हैं, कौन कौन से विषय केंद्र के अंदर में आते हैं विषय के आधार पर। तो दो तरीके से हम इसको विभाजित कर लेते हैं ताकि थोड़ा पढ़ने में आसानी रहे। यानी कि हम लेजिस्लेचर्स जो पावर्स होती है, लेजिस्लेटिव संबंधों की बात कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं पहले हम देखेंगे क्षेत्र के आधार पर क्या क्या संबंध हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं केंद्र के पास राज्यों के पास। फिर देखते हैं विषय के आधार पर कौन कौन से पावर्स हैं, कौन कौन से विषय आते हैं केंद्र और राज्यों के अंदर में, उसको हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं क्षेत्र के आधार। क्षेत्र के आधार पर हम शुरू करते हैं पहला आर्टिकल 245। अनुच्छेद 245 ये कहता है कि संसद कानून बना सकती है पूरे भारत के लिए या भारत के किसी हिस्से के लिए, किसी भाग के लिए, किसी प्रांत के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 245 भारत की संसद को यह पावर दे रहा है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 245 हमारी पार्लियामेंट्स को यह पावर दे रहा है कि वो कोई ऐसे कानून का निर्माण कर सकती है कि वो कानून पूरे भारत पे लागू होए, या भारत के किसी राज्य विशेष पर या फिर किसी जिले विशेष पर लागू हो सकता है, ऐसा कानून संसद बना सकती है। अगर वो किसी राज्य में लागू हो सकता है तो राज्य सरकारें उसको स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती, राज्यों को वो कानून स्वीकार करना ही होगा क्योंकि ये भारत की संसद बना रही है। आर्टिकल 245 ये भी कहता है कि जो राज्य विधानमंडल हैं वे भी कानून बना सकते हैं, या राज्य सरकारें कानून बना सकती है पूरे के पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी हिस्से के लिए, किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। जैसे मान लेते हैं राजस्थान है, तो राजस्थान सरकार पूरे राजस्थान राज्य के लिए कानून बना सकती है, या प्रॉपर शेखावटी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, या प्रॉपर किसी मान जयपुर जिले के लिए कानून बना सकती है, या जयपुर जिले में भी कोई जगह विशेष, कोई गाँव विशेष, कोई क्षेत्र विशेष के लिए कानून बना सकती है और वो उसी क्षेत्र तक लागू होगा। अनुच्छेद 245 संसद को और राज्य विधानमंडलों को यह पावर दे रहा है। लेकिन अनुच्छेद 245 की तीसरी बात जो उल्लेख कर रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय विधायन संबंध। इसका मतलब यह है कि संसद केवल और केवल भारत के भू क्षेत्र तक ही कानून नहीं बना सकती, संसद के पास इतनी पावर है कि भारत से संबंध रखने वाले अगर कोई व्यक्ति अन्य देशों में रह रहे हैं तो उनसे संबंधित भी कानून बना सकती है, चाहे वे व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों उन पर वे कानून लागू होंगे। मान लेते हैं कि भारत का कोई व्यक्ति है, उसने अमेरिका में कोई फैक्ट्री लगा रखी है, तो अमेरिका की जो फैक्ट्री है उससे जो इनकम हो रही है उस पर टैक्स लगाने का अधिकार संसद को है, और संसद वो जो कानून बनाएगी वो कानून अमेरिका में जाकर उस व्यक्ति विशेष पर लागू होगा जिसका संबंध भारत से है। तो न केवल भारत क्षेत्र के अंदर बल्कि भारत क्षेत्र के बाहर भी अगर कोई व्यक्ति है जिसका संबंध भारत से है उस पर वो कानून लागू होगा, संसद के पास ऐसी पावर है, संसद ऐसा कानून बना सकती है। आर्टिकल 245 संसद को ये अधिकार देता है। दोबारा देखिए, पहले हम इन तीनों बातों को पढ़ रहे हैं, फिर हम इन तीनों का अपवाद पढ़ेंगे, इसमें कुछ एक दिक्कतें हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहला है कि संसद भारत या भारत के किसी हिस्से के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य विधानमंडल किसी राज्य विशेष के लिए, जिस राज्य के विधानमंडल है और उसी राज्य के किसी हिस्से, किसी क्षेत्र विशेष के लिए कानून बना सकता है। तीसरा, संसद के पास ऐसी पावर है कि भारत से संबंध रखने वाला अगर कोई व्यक्ति विदेश में कहीं पर भी रह रहा है
तो उसके लिए भी संसद कानून बना सकती है, यानी कि संसद द्वारा बनाया गया कानून भारत की सीमाओं से बाहर भी लागू होगा अगर उस व्यक्ति का, अगर उस कंपनी का, अगर उस संस्था का संबंध भारत से है तो। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं मित्रों, अपवाद कौन कौन से हैं हम उनको देख लेते हैं। अभी तो हम कह रहे थे कि संसद पूरे भारत के लिए या भारत के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, लेकिन अभी हम एक बात करेंगे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संसद कानून नहीं बना सकती। कौन कौन से हिस्से हैं? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं मित्रों, अनुसूचित क्षेत्र, या मैं यूं कहूं कि जिनका उल्लेख शेड्यूल 5 में है, अनुसूची 5 में जिनका उल्लेख है, जिन क्षेत्रों का उल्लेख है, उन क्षेत्रों पर संसद कानून नहीं बना सकती। उन क्षेत्रों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहता है? उस क्षेत्र के राज्यपाल के पास। पहला है अनुसूचित क्षेत्र, दूसरा है मित्रों जनजातीय क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र का मतलब है जिसका उल्लेख शेड्यूल 6 में है, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जिनका उल्लेख अनुसूची 6 में है। तो इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर संसद के कानून या राज्य विधानमंडल के कानून लागू नहीं होते। वहाँ पर राज्यपाल को विशेष पावर प्राप्त हुई है, विशेष शक्ति है, राज्यपाल वहाँ पर कानून बनाएंगे, वहाँ पर लागू करेंगे। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा है लक्षद्वीप और तीसरा है दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव, क्योंकि वर्तमान में इनको मिला दिया गया, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति को कुछ पावर प्राप्त है और वहां पर राज्य विधानमंडल का, सॉरी वहां पर केंद्र सरकार का या अन्य कोई कानून लागू नहीं होता। वहां पर जो कानून बनाए जाएंगे, जो नियम बनाए जाएंगे, जो रेगुलेशन बनाए जाएंगे, वो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाएंगे और वो ही लागू होंगे। यहां पर संसद का या अन्य कोई भी राज्य का कानून लागू नहीं होगा। तो 3 ऐसे अपवादों की हमने बात की है। नंबर 1 तो अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, इन पर संसद के कानून लागू नहीं होंगे, उस राज्य के कानून लागू नहीं होंगे। यहाँ पे राज्यपाल के पास विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती है, राज्यपाल यहाँ के लिए नियम बनाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं, वही लागू होते हैं। यहाँ पर संसद का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। तो 245 के तहत हमने पढ़ा कि संसद को पावर तो है कि वो पूरे भारत के लिए या भारत से बाहर रहने वाले लोगों पर कानून बना सकती है, लेकिन भारत के अंदर ही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संसद के बनाए गए कानून लागू नहीं हो सकते। तो ये अपवाद है अनुच्छेद 245 के। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। दूसरा विधायी संबंध है विषय के आधार पर। पहला हमने पढ़ा क्षेत्र के आधार पर, दूसरा है विषय के आधार पर, यानी कौन कौन से विषय किसके पास जाते हैं। और जब हम विषय की बात करते हैं मित्रों, अभी जैसे मैं आपको बता के गया था 7वीं अनुसूची, वो अपने आप हमारे सामने आ जाती है क्योंकि विषयों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में, जिसमें पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्क्रीट लिस्ट। 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में मूल संविधान की बात करें तो यहां पर 97 सब्जेक्ट थे, 97 विषय थे मूल संविधान में। स्टेट लिस्ट की बात करें तो मूल संविधान में 66 विषय थे। और समवर्ती सूची की बात करें, कॉन्क्रीट लिस्ट की बात करें, तो 47 विषय मूल संविधान में थे। और अभी भी क्रमांक की दृष्टि से बात करें तो 97 विषय ही है संघ सूची में। हालांकि अगर संख्या की दृष्टि से बात करें तो 100 हैं, संख्या की दृष्टि से बात करें तो 100 हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 98 नंबर का विषय कौन सा है तो कोई नहीं है। 97 विषयों के अंदर ही उसके भाग ए बी सी करके और विषय जोड़े गए हैं, तो टोटल विषय जो है वो 100 हैं। स्टेट लिस्ट में क्रमांक अभी भी 66 हैं, लेकिन विषय मित्र इसमें कितने हैं? 61, क्योंकि आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को हमने स्टेट लिस्ट से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया था, शिक्षा, वन, वन्य जीव, ये मैंने पढ़ा था, न्याय व्यवस्था वगैरह। तो इसमें कितने हो जाते हैं? 52। तो वर्तमान में यूनियन लिस्ट में कितने हैं? 100 विषय,
जिन पर संसद कानून बनाती है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। दूसरे स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में 61 विषय हैं, राज्य सरकारें इस पर कानून बना सकती है, लेकिन केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है ऐसा नहीं है। कुछ एक ऐसी परिस्थितियां होती है जब स्टेट लिस्ट पर भी संसद कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये हम देखते हैं वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वो अभी आगे हम देखने वाले हैं। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय हैं, जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकते हैं, और अगर दोनों ने एक ही मुद्दे पर कानून बना लिया है और दोनों के कानून में विरोध हो गया है किसी प्रकार का, तो ये बेसिक सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कानून ही लागू होगा, राज्य वाला कानून अपने आप ही रद्द हो जाएगा, चाहे वो कानून अपने आप में कितना ही महत्व रखता है। अब इसके बाद हमारे संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई ऐसा विषय है जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं आता, संघ सूची में भी उसका उल्लेख नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है, कोई नया विषय या तो पैदा हो गया है या भूलवश हम इसमें लिख नहीं सके हैं, तो वो विषय किस में जाएगा? और मित्रों आपको पता है कि हमारा जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो किस देश से मिलती जुलती है, तो उसका स्वरूप किसके जैसा है? कनाडा जैसा। और कनाडा के संविधान में अवशिष्ट विषय जो दिए गए थे वो किसको दिए गए थे मित्रों? केंद्र सरकार को। तो हमने भी क्या किया है, जो अवशिष्ट विषय हैं, जो ऐसे विषय हैं जो इन जिसका उल्लेख इन तीनों सूची में नहीं है, रेजिडुअल लिस्ट हमने पैदा की है एक चौथी लिस्ट, तो वो विषय किसके अंडर में जाते हैं मित्रों? केंद्र सरकार के। उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास रहती है? केंद्र सरकार के पास। जैसे कि मान लेते हैं अभी एक विषय है साइबर क्राइम, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में या संविधान बन रहा था, उस समय साइबर क्राइम जैसे किसी विषय की कल्पना ही की जानी शायद संभव नहीं थी, लेकिन आजकल हमारी प्रौद्योगिकी ने, हमारी टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया है कि विकास के साथ साथ इसका एक नुकसान भी हो रहा है, और सबसे बड़ा जो नुकसान है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम जैसे एक नया विषय पैदा हुआ तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा? संसद के पास, क्योंकि वो कैसा विषय है? अवशिष्ट विषय है, वो तीनों ही सूचियों में उसका उल्लेख नहीं है। तो विषय के आधार पर हमने बंटवारा कर रखा है कि कौन कौन से विषय किसके पास रहेंगे। लेकिन अभी मैंने कहा कि स्टेट लिस्ट पर केवल और केवल राज्य ही कानून बनाए ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार भी इन विषयों पर कानून बना सकती है, और वो कानून कब बना सकती है अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं। इसमें पहला हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 249। मैंने कहा कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है जब विशेष परिस्थितियां होती है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वो विशेष परिस्थितियां क्या है। तो पहला है अनुच्छेद 249। अगर आप मेरी सारी वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो 249 लिखते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि हम इसका पहले जिक्र कर चुके हैं जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे, और पार्लियामेंट में सबसे पहले हमने राज्यसभा को पढ़ना शुरू किया था, और जब हम राज्यसभा के विशेषाधिकार पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने दो आर्टिकल्स का उल्लेख किया था मोस्टली, एक तो था 249 और दूसरा था 312। और 249 में तब भी हमने जिक्र किया था, दोबारा क्लियर कर लेते हैं। 249 ये कहता है कि जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जो विषय हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लेकिन कब? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने की अनुमति कौन देगा मित्रों? राज्यसभा देगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत अगर संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना रही है तो उसमें लोकसभा पहल नहीं कर सकती, उसमें राज्यसभा पहल करेगी। राज्यसभा अपने यहां से एक संकल्प पारित करेगी कि भाई ये जो विषय है ये विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, इस पे राज्य सरकारों को कानून नहीं बनाना चाहिए, अब इस विषय पे केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, तब जाकर संसद उस पे कानून बना सकती है, वरना तो नहीं बना सकती। यानी राज्यसभा ये अनुमति देती है संसद को कि स्टेट लिस्ट के इस विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए तो बना सकती है, वरना तो नहीं। 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होंगे, और उसके बाद स्टेट लिस्ट के उस विषय पर कानून बन जाएगा। परंतु वो जो कानून बनेगा मित्रों उसकी अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष। वो 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, 1 वर्ष बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर उसको 1 वर्ष से ज़्यादा चलाना है तो या तो आपको दोबारा से प्रस्ताव रखना होगा, दोबारा से कानून बनाना होगा, या फिर संविधान का संशोधन करके उस विषय को स्टेट लिस्ट से निकाल कर
यूनियन लिस्ट में डाल दिया जाए या फिर उसको संवर्ती सूची में डाल दिया जाए। दो ही तरीके हैं इसको लंबा चलाने के लिए, अन्यथा हर वर्ष अगर इसको लंबा चलाना है तो प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, उसको पारित किया जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, कानून बनेगा, परंतु वो चलेगा सिर्फ और सिर्फ एक वर्ष तक। ऐसा आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 250 ये कहता है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपात लग जाता है, अनुच्छेद 352 लग जाता है, तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास स्वतः ही चली जाती है, इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देश में राष्ट्रीय आपात लग गया है, अनुच्छेद 352 का हमने यूज कर लिया है, संसद से उसकी अनुमति मिल गई है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें कोई कानून पास नहीं करेगी, राज्य सूची के सारे विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे और उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास रहेगी। लेकिन ये कुछ समय विशेष के लिए होते हैं, जब तक आपातकाल है, आपातकाल हटते ही वे विषय द्वारा से राज्य सरकारों के पास स्थानांतरित हो जाते हैं अपने आप ही स्वतः ही। अनुच्छेद 249 के तहत अगर कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हुआ है तो संसद उस पर कानून बनाएगी। 250 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात लग गया है तो ऐसी स्थिति में स्टेट लिस्ट पर संसद कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 251 ये कहता है, देखिए अनुच्छेद 251 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 251 ये कहता है कि 249 और 250 के तहत जो कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, अभी हम बात कर रहे थे जिसके बारे में, जो कानून केंद्र सरकार का मतलब मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं मित्रों, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट जो कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं, और मान लेते हैं कि उन्हीं विषयों पर पहले से उस राज्य की विधानमंडल के कानून बने हुए हैं। शब्दों को समझना जरा, मैं दोबारा क्लियर करता हूं, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। अनुच्छेद 249 ये कहता है कि अगर कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो वो विषय चाहे वो राज्य सूची का है तो उस पर संसद कानून बना सकती है, क्लियर। लेकिन मान लेते हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं यहां पे, देखिए पुलिस एक ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है या फिर जो राज्य सूची का है, और पुलिस पर बहुत सारे कानून राज्य सरकारों ने बना रखे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा माहौल पैदा हो और ऐसा लगे कि पुलिस जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है और इस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद बना सकती है, 249 ये कह रहा है, क्लियर। अब मान लेते हैं संसद ने उस पर कानून बना लिया, लेकिन उस पर राज्य सरकारों ने पहले से कानून बनाए रखे हैं, राज्य सरकारों के कानून पहले से बने हुए हैं, संसद ने अब बनाया है, लेकिन संसद ने जो कानून बनाया है अब और पहले के राज्य सरकारों के कानून आपस में अंतर्विरोधी हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों के जो कानून बने हुए थे वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कह रहा है अनुच्छेद 251। यानी कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं, अगर वो कानून राज्य सरकारों के बनाए हुए कानूनों के साथ मेल नहीं खाते हैं, मैच नहीं हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कानून तो लागू रहेंगे परंतु राज्य सरकारों वाले कानून रद्द हो जाएंगे, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 251 कर रहा है, समझने की कोशिश करना। यानी कि अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 और 250 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा पावरफुल बना रहा है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए कानून लागू रहें, राज्य वाले अपने आप निरस्त हो जाएंगे अगर वो अंतर्विरोधी हैं तो, लेकिन अगर वो अंतर्विरोधी नहीं है तो वे चलते रहेंगे, फिर राज्य सरकारों वाले कानून भी चलते रहेंगे, सेंट्रल वाले तो चलने ही चलने हैं, राज्य सरकारों के कानून भी चलते रहेंगे, लेकिन अगर उनमें टकराव होता है तो सेंट्रल सरकार के कानून ही लागू होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के कानून अपने आप ही रद्द हो जाएंगे, अनुच्छेद 251 संसद को ये पावर दे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 252। 252 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य मिलकर केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारे राज्य सूची के इस विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद कानून बना सकती है। लेकिन कम से कम दो राज्य, अब मान लीजिए राजस्थान और हरियाणा ने मिलकर कहा कि भाई ऐसे है कि जो पुलिस विषय है उस पर संसद कानून बना के दे हमें, तो संसद उसके लिए कानून बना के देगी और वो जो कानून बनेगा
वो उन्हीं दो राज्यों पर ही लागू होगा, सभी राज्यों पर लागू नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि जो पुलिस विषय है वो राज्य सूची से निकलकर संसद के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दो राज्यों ने जिन्होंने रिक्वेस्ट की है उन राज्यों के पुलिस जो विषय है उस पर संसद कानून बना देगी, तो वो केवल और केवल उन्हीं दो राज्यों पर लागू होगा। हाँ, बाद में ऐसा है कि अगर कोई और राज्य उसको लगे कि भाई ये विषय अच्छा है, संसद ने कानून बनाया है वो अच्छा है, हम भी इसको एक्सेप्ट कर लें, तो कर सकते हैं, वे कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर भी कानून लागू कर दो, तो हो सकता है। लेकिन अपने आप वो सभी राज्यों पर लागू नहीं होगा। 252 के अंतर्गत बनाया गया जो कानून है, 249 के अंतर्गत बनाया गया कानून, 250 के अंतर्गत बनाया गया कानून सभी राज्यों पर लागू होगा, लेकिन अनुच्छेद 252 के अंतर्गत बनाया गया कानून सभी राज्यों पर लागू नहीं होगा। वो केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन राज्यों ने इसके लिए अनुरोध किया है, जिन राज्यों ने इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन किया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 253। हम एक बार सारे अनुच्छेद पढ़ लें, फिर हम सारे अनुच्छेदों को एक नज़र में और देख लेंगे, ताकि थोड़ा सा उनको कंपैरिजन करना थोड़ा आसान हो जाए कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। 253 ये कहता है कि मान लेते हैं भारत सरकार ने किसी देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि की है, या फिर कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई समझौता है, और उसको हमें लागू करना है हमारे भारत में। लेकिन उस समझौते को, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस संधि को भारत में जब लागू करते हैं, तो राज्य सूची के एक दो या कुछ विषय इसमें रोड़ा बनते हैं, इसमें अड़कन बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राज्य सूची के उन विषयों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी, ताकि उस अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करना आसान हो जाए। यानी जब देश की संप्रभुता की बात आएगी, जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात आएगी, तब ये नहीं देखा जाएगा कि यह विषय यूनियन लिस्ट का है या फिर स्टेट लिस्ट का है, वो अपने आप ही संघ सरकार के पास चला जाएगा, तब उस पर संसद ही कानून बनाएगी। क्योंकि हमें उस समय अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना है, उसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं उनको प्रमुखता देंगे। राज्य सरकारों के किसी विषय का अतिक्रमण होता है तो उस राज्य सरकारों को सहन करना होगा। बात समझ रहे हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करते हुए अगर हमारी राज्य सूची का कोई विषय इस चीज़ में रोड़ा बनता है, अड़चन बनता है, तो राज्य सूची के उस विषय पर संसद कानून बनाएगी। बस इतना लिखा हुआ है। अनुच्छेद 254 भी काफी इंटरेस्टिंग है। अनुच्छेद 254 ये कहता है कि अगर कभी संसद के कानून और राज्य विधानमंडलों के कानून में विरोध होता है तो संसद वाला मान्य होगा। ये हम पढ़ते ही आए हैं। मान लेते समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाया गया है, दोनों ने कानून बना लिया तो उनमें विरोध है तो संसद वाला माना जाएगा। अनुच्छेद 249 के तहत दोनों में विरोध है तो संसद वाला माना जाएगा। अनुच्छेद 250 के तहत दोनों में विरोध है तो संसद वाला माना जाएगा। अनुच्छेद 254 भी यही बात कह रहा है कि अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून आपस में एक दूसरे का टकराव करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो संसद वाला मान्य होगा। परंतु देखिए इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, परंतु ये परंतु बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर। परंतु अगर राज्य विधानमंडल ने कोई प्रस्ताव पारित किया, और आपको पता है फाइनली जब वो प्रस्ताव पारित होता है तो उसके गवर्नर के साइन चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने उस प्रस्ताव पर साइन करने की बजाय उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। हमने आर्टिकल 200 पढ़ा है, आर्टिकल 200 हमने पढ़ा है, 201 पढ़ा है कि अगर कोई प्रस्ताव राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल इसको राष्ट्रपति के पास भेज दे और राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दे दी, क्लियर? यानी कि राज्य विधानमंडल के कानून को स्वीकृति किसने दी? राष्ट्रपति ने। अब देखिए, अब ये परंतु क्या कह रहा है? परंतु ये कह रहा है कि एक तो संसद ने कानून बनाया है, एक राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया है, परंतु उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति ने दी है, तो ऐसी स्थिति में पावरफुल कौन सा होगा? ऐसी स्थिति में संसद का कानून मान्य होगा या राज्य विधानमंडल का कानून मान्य होगा? अनुच्छेद 254 ये कहता है कि ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल का कानून मान्य होगा, यहां पर संसद का कानून रद्द हो जाएगा। शब्दों को समझना जरा, हर बार राज्य विधानमंडल का कानून ही रद्द नहीं होगा। अब अगर राज्य विधानमंडल के कानून को राष्ट्रपति ने अनुमति दे रखी है, तब संसद वाला कानून ही रद्द होगा, राज्य विधानमंडल का कानून रद्द नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति संसद से अधिक शक्तिशाली हैं।
बात क्लियर हो गई होगी आपको। इसके साथ ही हमारे ये विधायी संबंध कंप्लीट होते हैं। मैं सभी अनुच्छेदों को एक नज़र आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ। 245 क्या कह रहा था कि भाई कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। 246 कह रहा था कि भाई कौन कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, संसद हमारी कानून बनाएगी। 249 ये कह रहा था कि अगर कोई स्टेट लिस्ट का कोई विषय है लेकिन राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, संसद। 250 ये कह रहा था कि अगर मान लेते हैं राष्ट्रीय आपात लग गया है तो कानून कौन बनाएगा, राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाएगा, संसद। 251 कह रहा है कि 249 और 250 के तहत अगर कोई कानून बना है राज्य सरकारों का और संसद का, अगर उसमें विरोध होता है तो संसद वाला मान्य होगा। अनुच्छेद 252 कहता है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य मिलकर केंद्र सरकार को, संसद को ये रिक्वेस्ट करें कि उनके लिए कानून बनाया जाए तो संसद ऐसा कानून बना सकती है। 253 जो कि IR की बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों को लागू करते हुए अगर कोई विषय आड़े आता है तो वो संसद के अंडर में चला जाएगा। और अनुच्छेद 254 ये कहता है कि अगर राज्य विधानमंडल के कानून को राष्ट्रपति की अनुमति मिली हुई है तब संसद का कानून समाप्त हो सकता है, राज्य विधानमंडल का कानून समाप्त नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये विधायी संबंध जो है इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रशासनिक संबंध को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों अगर विधायी संबंधों वाला ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो आपसे बड़ा ही विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं प्रशासनिक संबंधों के बारे में। प्रशासनिक संबंधों की बात करें तो मित्रों प्रशासनिक संबंधों का जो उल्लेख है वो भाग 11 में है। कौन से भाग में है, भाग 11 में। और अगर हम बात करें मित्रों आर्टिकल की तो वो है 256 से लेकर 263 तक। अब अपने को देखने हैं कि प्रशासनिक संबंध में कौन कौन सी बातें आती हैं। पहला यहां पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि केंद्र और राज्य की जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं, कार्यकारी का मतलब कार्यपालिका शक्तियां। अब हम विधायी शक्तियों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका शक्तियां। केंद्र और राज्य की जो कार्यकारी या फिर कार्यपालिका शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उनका संबंध केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों से है। शब्दों को समझ रहे हैं आप कि केंद्र सरकार की जो कार्यकारी शक्तियां हैं और केंद्र सरकार की जो विधायी शक्तियां हैं वो आपस में अंतर संबंधित हैं। इसी तरीके से राज्य सरकारों की जो कार्यकारी शक्तियां हैं और राज्य सरकारों की जो विधायी शक्तियां हैं वो भी आपस में संबंधित हैं। इसका मतलब ये होगा मित्रों कि राज्य सरकार के पास जो जो क्षेत्र विधायी शक्तियों के लिए आते हैं वही क्षेत्र क्या होंगे, उनके लिए कार्यकारी शक्ति, यानी जिस विषय पे भी कानून बना सकते हैं उसी विषय पर वो प्रशासन भी कर सकते हैं, उसी विषय पर वो अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आपको बताता हूं, सुनिए, तीन सूचियां हैं, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है मित्रों समवर्ती सूची। और आपको पता है संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। हम पढ़ते आ रहे हैं, कितनी बार पढ़ लिया पता नहीं। राज्य सूची के विषय पे कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार ने कानून बनाएगी और कौन बनाएगा। इसका मतलब संघ सूची के विषयों पर अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो प्रशासन भी केंद्र सरकार संभालेगी, राज्य सूची के विषयों पर अगर राज्य सरकारें कानून बनाती है तो प्रशासन भी राज्य सरकार संभालेगी। ये बात मैं कह रहा हूं कि कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्तियों का आपस में संबंध है। लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है कि जो समवर्ती सूची है, और हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि समवर्ती सूची के विषय पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है परंतु अगर विरोध होता है तो केंद्र वाला मान्य होगा। लेकिन पर जब प्रशासन की बात करेंगे, देखिए मित्रों यहां पे बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट आ रहा है, जब हम समवर्ती सूची में
प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन किसके अंडर में रहेगा? राज्य सरकारों के अंडर में। बड़ा जोरदार पॉइंट है ये, राज्य सरकारों के अंडर में। हाँ, अगर एमरजेंसी वगैरह लग गई है तब बात अलग है, तब समवर्ती सूची का जो प्रशासन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में समवर्ती सूची पर प्रशासन करने की शक्ति वो किस में निहित रहेगी? राज्य सरकारों में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैसे हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि समवर्ती सूची पर किसका अधिक प्रभाव रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, विधायी शक्तियों के संबंध में। लेकिन कार्यकारी शक्तियों की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम प्रशासनिक शक्तियों की बात कर रहे हैं, तब ज्यादा रोल किसका है? राज्य सरकारों का। यह बड़ा मस्त पॉइंट है। अब हम शुरू करते हैं, प्रशासनिक संबंध क्या है, कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है, क्या क्या लिखा हुआ है। पहला है अनुच्छेद 256। 256 से शुरू हो रहे हैं तो पहला हम 256 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 256 ये कहता है कि कोई भी राज्य है वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरीके से करे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार की वादा उत्पन्न न हो और केंद्र सरकार के बनाए गए नियम अधिनियम वहां पर लागू हो सके, उनका पालन सुनिश्चित हो सके। शब्दों को समझना जरा। राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग जब करे तो इस चीज का ख्याल रखे कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार की वादा उत्पन्न ना हो, और संसद ने अगर उस राज्य के लिए कोई कानून बनाया हुआ है, उस राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बनाया हुआ है, तो उसका पालन भी सुनिश्चित हो सके। ऐसा नहीं हो कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का निरंकुश प्रयोग कर रहा है और संसद बनाए गए कानूनों की वहां पर धज्जियां उड़ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हुए राज्य सरकारों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। समझ गए? अब जैसे मान लीजिए अभी करंट का मुद्दा बता देते हैं आपको। अभी CAA एक एक्ट बना है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019-20 ये बना हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा होगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए जो भी 6 कैटेगरी हमने बात की थी, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, है ना, तो उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो अगर मान लेते हैं कि कार्यपालिका शक्ति, कोई राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर रहा है अच्छे से, लेकिन वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहा है या उल्लंघन कर रहा है, तब राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने का हक नहीं होगा, क्योंकि संसद द्वारा बनाए गए नियम, जो भी कानून है, जो भी अधिनियम है, उनका पालन नहीं हो रहा। तो ये ख्याल रखना है। ये है प्रशासनिक संबंध कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करे अपने क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में संसद की कार्यपालिका शक्ति और संसदीय जो भी कानून बने हुए हैं उनका पालन भी सुनिश्चित करना होगा। अब हमने ये बात तो पढ़ ली कि ठीक है भाई, राज्य जब अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो संसदीय जो भी अधिनियम बनाए हुए हैं उनका पालन सुनिश्चित करे, अगर नहीं कर रहा तो इसके लिए राज्यों के नाक में नकेल डाली हुई है, उनको इसका पालन करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय हमारे पास एक आर्टिकल है 365 ये कहता है कि अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिया है और राज्य सरकारें उस निर्देश का पालन नहीं कर रही है तो इसे क्या समझा जाएगा मित्रों? इसे समझा जाएगा संवैधानिक तंत्र की विफलता। और आपको आइडिया है कि जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो क्या हो जाता है? तब हो जाता है मित्रों राष्ट्रपति शासन, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो हालांकि राज्यों को पता है कि अगर हम सेंट्रल सरकार के बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो अनुच्छेद 365 का उल्लंघन हो जाएगा, और जैसे ही अनुच्छेद 365 का उल्लंघन होगा 356 प्रक्रिया में आ जाएगा, और 356 के तहत क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो उसके रिजल्ट सबको पता है, राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, राज्य सूची के सारे विषयों पर संसद कानून बनाती है, उस राज्य का बजट संसद के अंडर में आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि सारी शक्तियाँ सौंपने से अच्छा है कि केंद्र सरकार की कुछ बातों को मान लिया जाए। तो अभी मैंने क्या पढ़ा था कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करो परंतु संसद के बनाए गए नियमों का पालन भी आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या निर्देश दे सकती है। अभी हमने पढ़ा कि अगर
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ निर्देश जारी किए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, निर्देश जारी किए हैं और राज्य सरकारें उन निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा मित्रों? तब हो जाएगा वहाँ पर अनुच्छेद 356। लेकिन प्रश्न ये है कि वो निर्देश क्या क्या हैं? तो निर्देश देखिए लिखे हुए हैं, क्या निर्देश होंगे देखिए, उस राज्य में संचार के साधनों का विकास करें, संचार के साधनों की देखभाल करें, क्योंकि संचार कम्युनिकेशन जो विषय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संघ सूची का विषय है, लेकिन संचार स्थापित कहाँ पे होंगे? राज्य में होंगे ना, तो राज्य सरकारों का एक काम है या उनका कर्तव्य है कि वे संचार के साधनों का विकास करें, उनका रखरखाव करें, उनका प्रोटेक्शन करें। दूसरा जो रेलवे है, रेलवे भी यूनियन लिस्ट का विषय है, अब लेकिन रेल चलेगी कहाँ? रेल अब ऐसे तो है नहीं कोई आसमान में उड़ेगी, रेल तो राज्यों में चलेगी और राज्य किसके हैं? वो तो राज्य सरकारों के अंडर में आएंगे। तो रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना भी किसका काम है? राज्य सरकारों को ये देखना है कि रेलवे की जो भी संपत्ति है उनका रखरखाव करे, उनमें किसी भी तरीके का नुकसान ना होना पाए। ये संपत्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन इसका ध्यान किसको रखना पड़ेगा? राज्य सरकारों को। जो जनजातियां हैं जनजातियों के विकास के लिए राज्यों को विशेष प्रावधान करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी लेकिन राज्यों को भी एक चीज ख्याल रखनी है कि वो जनजातियों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास करे। और जो भाषाई अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनको अपनी मातृभाषा सीखने में राज्य सहयोग करें, उनको इस तरीके का संरक्षण प्रदान करें कि वे लोग अपनी मातृभाषा को सीख सकें। कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं जैसे कि मान लीजिए पंजाबी हैं या कोई और हैं, तो सरकार को, राज्य सरकारों को ये प्रयास करना होगा कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके बच्चे प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करें, अपनी मातृभाषा को सीखें, ये सुनिश्चित करें राज्य सरकारें। ये निर्देश हैं केंद्र सरकार की, और अगर राज्य सरकारें इन निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? ये आपको पता है, तो अनुच्छेद 356 प्रक्रिया में आ जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तब उसके बाद आपको पता है कि राज्य सरकारों को निलंबित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, वो बात की प्रक्रिया है। ऐसे अनुच्छेद 352, 356, 360 को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगला है अनुच्छेद 258। हम सारे अनुच्छेदों को नहीं पढ़ रहे, जो जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। अनुच्छेद 258 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं वे चाहें तो किसी भी राज्य को या फिर उस राज्य के अधिकारियों को, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ पे हैं, वो काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जो प्रशासन को संभाल रहे हैं, उनको संसदीय, या यूँ कहें कि संसदीय नहीं, केंद्र सरकार के कुछ शक्तियाँ या फिर कुछ कार्य सौंप सकते हैं। अब पूरा सेंटेंस सुनिए, राष्ट्रपति जब चाहें, जब उनको ऐसा लगे तो वो ये कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो किसी राज्य को या राज्य के अधिकारियों को केंद्र सरकार के काम सौंप सकते हैं, केंद्र सरकार की शक्तियां और केंद्र सरकार के कार्य सौंप सकते हैं। सौंपेंगे ही, ये जरूरी नहीं है, लेकिन 258 राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो किसी राज्य को या राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के काम और सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियां सौंप सकते हैं। और अनुच्छेद 258 के ही दूसरे क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि यही काम संसद भी कर सकती है, संसद भी विधि बनाकर या अपनी विधि के अंतर्गत रहते हुए राज्यों को या राज्यों के अधिकारियों को केंद्र सरकार की शक्तियां और कार्य सौंप सकती है। यानी 258 के तहत राष्ट्रपति भी ऐसा कर सकते हैं, 258 के तहत संसद भी ऐसा कर सकती है कि वे केंद्र सरकार के कामों को निकालकर राज्यों को सौंप दें, ऐसा कर सकते हैं। और इसी का तीसरा क्लॉज ये कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति ने या फिर संसद ने केंद्र सरकार के कुछ कामों को राज्य सरकारों को सौंपा है तो राज्य सरकारों को वो काम पूरा करना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकारें जब वो काम पूरा करेंगी तो उसके लिए कुछ धन भी खर्च होगा, और जो धन खर्च होगा वो कहाँ से आएगा? वो केंद्र देगी या राज्य, किस के राज्य वहन करेगा?
तो अनुच्छेद 258 का क्लॉज 3 ये कह रहा है कि जो भी खर्चा होगा वो केंद्र सरकार देगी, वो भुगतान करना पड़ेगा राज्यों को। केंद्र सरकार राज्यों को वो भुगतान राशि उपलब्ध करवाएगी। अब मान लेते हैं कोई एक कोई काम है, एक्स नाम का कोई काम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या राष्ट्रपति ने या संसद ने राज्यों को सौंप दिया और उस काम को करने में मान लेते हैं 100 रुपये लगे, तो ये 100 रुपये किसके लगेंगे? भाई संसद काम करती तो भी उसके लगते, अब राज्यों ने काम किए हैं तो भी किसके लगेंगे? संसद के। तब संसद ये 100 रुपये किसको उपलब्ध करवा देगी? राज्यों को भुगतान राशि के रूप में। तो अनुच्छेद 258 ये कहता है कि राष्ट्रपति या संसद चाहे तो राज्यों को केंद्र सरकार की शक्तियां सौंप सकते हैं, केंद्र सरकार के काम सौंप सकते हैं, केंद्र सरकार के कुछ दायित्व राज्यों को सौंपे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 262, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, 262 263 बहुत इंपॉर्टेंट है। 262 ये कहता है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद है, नदी को लेकर, किसी प्रकार की कोई घाटी है घाटियों को लेकर, या फिर जलाशयों को लेकर, उनके जल को वितरण को लेकर विवाद है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो देखिए अनुच्छेद 262 ये कहता है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी नदी को लेकर, किसी तालाब को लेकर, किसी जलाशय को लेकर विवाद है, तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए संसद एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि संसद इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है उसको कम कर सकती है। देखिए वैसे आप थोड़ा सा याद करिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, हम आर्टिकल 131 पढ़ रहे थे, 131 में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 131 ये कहता है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद है या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर मान ले नदी के पानी को लेकर दो राज्यों में विवाद है, तब संसद काम कर रही है, तब सुप्रीम कोर्ट को बाहर निकाला जा रहा है। तो बिल्कुल अगर मान लेते हैं कोई विधायी शक्ति को लेकर दो राज्यों में विवाद हो गया है, किसी प्रशासनिक शक्ति को लेकर दो राज्यों में विवाद हो गया है, तब उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा आर्टिकल 131 कह रहा है साफ साफ शब्दों में। लेकिन अगर किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन को लेकर दो राज्यों में विवाद है तब इसका निपटारा संसद करेगी, संसद इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन कर देगी, संसद ही इसका निपटारा करवाएगी किसी तरीके से इन दोनों को कन्वेंस किया जाए। दो राज्य हैं, तीन राज्य हैं, पांच राज्य हैं, दस राज्य हैं, जितना भी विवाद है संसद उसको कन्वेंस करने की कोशिश करेगी। हाँ उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है जब संसद चाहे, लेकिन अगर संसद चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ इस संदर्भ में जब ट्रिब्यूनल का गठन होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। और लास्ट है अनुच्छेद 263, 262 और 263 का थोड़ा संबंध भी है। 263 ये कहता है कि संसद अंतरराज्य परिषद का गठन कर सकती है, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्य परिषद में क्या होता है कि दो या दो से अधिक राज्यों में किसी प्रकार का विवाद न हो, सभी राज्य मिलजुल कर काम करें, उसके लिए अंतरराज्य परिषद का गठन किया जा सकता है। और सबसे पहले अंतरराज्य परिषद का गठन 1990 में हुआ था, उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे वो बीपी सिंह थे, बीपी सिंह। और अंतरराज्य परिषद का जो अध्यक्ष होता है मित्रों वो कौन होता है? वो होते हैं पीएम, और सभी राज्यों के सीएम इसके सदस्य होते हैं। जिन राज्यों में सीएम, जो ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे सीएम नहीं होते, वहाँ के एलजी क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के प्रशासक या आयुक्त, वो सारे इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसके अलावा 6 कैबिनेट मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। अंतर्राज्य परिषद को हालांकि हम अलग से पढ़ेंगे, अंतर्राज्य परिषद क्या होती है, अंतर्राज्य परिषद क्या काम करती है, कितने सदस्य होते हैं, कब अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया, ये कॉन्सेप्ट अलग से अभी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि 263 के तहत संसद चाहे तो अंतर्राज्य परिषद का गठन कर सकती है, और अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष हमेशा पीएम होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी एलजी प्रशासक आयुक्त इसके सदस्य होते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। सबसे पहली अंतर्राज्य परिषद 1990 में गठित की गई थी।
तो ये है मित्रों आज के विधायी और प्रशासनिक संबंध। कल हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंध पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों को बढ़ाने के लिए आज तक कौन कौन से आयोग गठित किए जा चुके हैं और उन आयोगों की क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या अनुशंसाएं हैं और क्या क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट सुझाव दिए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपनी हाँ के स्वरूप में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।